बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ग्रेड सिक्स। आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज जो है वो 8.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को जो है वो 4 को कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा क्या करना है आपने। 6x-4x दिया होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, सिक्स यहाँ पर देखें 6x है माइनस 4x है, यानी कि दो जो टर्म्स हैं दोनों x वाली हैं, तो इसका मतलब है हम दोनों इसको इजीली माइनस कर सकते हैं। ठीक है, आपने जब माइनस या प्लस करना है तो आपने हमेशा लाइक टर्म्स को करना है। लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? जो बिल्कुल सेम होती है, यानी कि अगर ये x वाली है तो सेकेंड वाली भी जो है वो x वाली ही होगी, तो वो माइनस होगा। थोड़ी सी भी चेंजिंग होगी तो वो माइनस हम या प्लस उसको नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक्स स्क्वेयर होता तो वो कभी भी एक 6x में से माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, तो 6x-4x आपके पास आंसर क्या आ गया? 2x आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या है कि 2p+q+2r-p+q+r। अब आपको ये बात पता है कि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनके साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं जब आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो है वो तो सारी आपके पास 2r तक वैसे ही लिखा रहा माइनस पी। अब यहाँ पर देखो क्योंकि ब्रैकेट हम ओपन कर रहे हैं तो ये प्लस जो है वो चेंज हो जाएगा किस में? नेगेटिव साइन में। ये भी प्लस किस में चेंज हो जाएगा? नेगेटिव साइन में। ठीक है, और जब हमने ब्रैकेट को ओपन किया तो यहाँ पर माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। और आपको इस बात का भी पता है कि जब हम दो सेम टर्म्स होती हैं और उनके साइन ऑपोजिट होते हैं तो हम उनको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रीअरेंज हमने कर दिया टर्म्स को। रीअरेंज क्यों किया? ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल ना पेश आए। ठीक है, यानी कि पी वाली टर्म्स मैंने इकट्ठी करके लिख दी। पी वाली एक 2p ये टर्म थी और एक माइनस पी जो थी वो एक ये टर्म थी। ठीक है, उसके बाद क्यू तो कैंसिल हो चुका है और 2r-r, 2p में से p माइनस करेंगे तो p आ गया, 2r में से r माइनस करेंगे तो r आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या है कि सब्ट्रैक्ट करना है हमने 2a³-3a² + 5a + 5 फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। अब देखें, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी कि इसको माइनस करें किस में से? ये जो सारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें से माइनस करना। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, 5a³+a² + 2a-3 हमने करना है किसको? ये फर्स्ट वाले टर्म को। ठीक है, इसमें से ये जो टर्म हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें से माइनस करना था हमने किसको? ये वाला सारा। ठीक है, तो वो मैंने पहले सबसे पहले जो है वो सेकंड वाला जो भी हमें एक पॉलीनोमियल गिवन है वो उसको लिखा माइनस, और जो स्टार्टिंग वाले जो है उसको लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर भी जो है माइनस कर रहे हैं क्योंकि, तो फिर माइनस जब हम करेंगे तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका हर साइन जो है वो वैल्यू का क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सिर्फ हमने क्या कर दिए, सबको ओपन कर दिए, ब्रैकेट को ओपन करके साइन चेंज किया और कुछ नहीं किया, और ये सारी टर्म्स जो स्टार्टिंग की हैं ये एज इट इज़ रहेंगी। उसके बाद वही अरेंज कर देते हैं टर्म्स को ताकि हमें कैलकुलेशंस में मसला ना हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है ना तो समटाइम मसला हो जाता है। तो आप 5a³ यानी कि 1³ वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको मैंने इकट्ठा लिख दिया। 5a³ था, उसके अलावा -2a³ था। उसके बाद a² वाली टर्म की बारी आती है, a² + 3a² उनको भी कंबाइन करके लिख दिया, यानी कि साथ मिला के लिख दिया। फिर a वाली टर्म्स 2a-5a, और फिर एंड पे कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास कौन सी बच गई? -3-5 वो लिख दिया। अब 5a³-2a³ कितना होता है आपके पास? 3a³ प्लस ये भी यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे क्या कंसीडर होगा एक के साथ? 1 1+3 4। उसके बाद यहाँ पे आ गए 2 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ऑब्वियसली -3a -3-5 क्या हो गया? -3-5 कितना आ गया आपके पास? -8 आ गया। जस्ट आपने सिंप्लीफाई किया और यही आपका फाइनल आंसर है। इसके रिमेनिंग पार्ट भी सेम इसी वे में होंगे, इंशाल्लाह वो भी आपसे हो जाएंगे। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर आगे है 8th पार्ट। इसमें क्या है कि इसमें भी आपने वही है कि माइनस करना है, लेकिन ये थोड़ा सा उन्होंने अपनी तरफ से डिफ़िकल्ट दिया हुआ है, करना कुछ भी नहीं है, उसी वे में करना है इसको भी। एक आपको ये देखें, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है माइनस है, दूसरी आपके पास वैल्यूज़ आ गई, आपने जस्ट माइनस को ओपन किया। बार बार हम कर रहे हैं माइनस को ओपन करते हैं, साइन हम चेंज कर देते हैं, साइन चेंज करने के बाद हम टर्म्स को अरेंज करते हैं, टर्म्स को अरेंज करने के बाद हम उसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं। यानी कि यहाँ पर 3a² है, उसके अलावा 2x² ये टर्म सेम है। ठीक है, उनके अलावा 3+3xy² और -xy² ये जो टर्म्स हैं ये सेम है। ठीक है, बाकी ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं।
तो मैंने जब अरेंज किया तो अरेंज करने के बाद मैंने लाइक टर्म्स इकट्ठी लिख ली और जो बाकी रिमेनिंग टर्म्स थी उनको हमने साइड पे लिख लिया, ठीक है। अब इनको हमने सॉल्व किया तो ऑब्वियसली थ्री में से टू माइनस करेंगे तो वन आएगा, और यहाँ पे टू थ्री में से वन माइनस करेंगे तो टू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस सिक्स एक्स वाई एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसके साथ की और कोई टर्म नहीं है, नाइन वाई स्क्वेयर भी ऐसे ही रहेगा, इसके साथ भी कोई टर्म नहीं। अब यहाँ पर देखें ये एक्स वाई स्क्वेयर है और ये जस्ट वाई स्क्वेयर है, ठीक है। तो हम इसको जो है ना इसके साथ जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनकी कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ एक्स है, इसके साथ एक्स मौजूद नहीं है, ठीक है। आप हमेशा कैलकुलेशन दो टर्म्स में करोगे जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे, जैसे एक्स वाई स्क्वेयर है, ये भी एक्स वाई स्क्वेयर ही है, कुछ और नहीं है, वेरिएबल कोई और प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इनको ही सिर्फ कैलकुलेट करोगे, बाकी टर्म्स जो हैं वो रिमेनिंग होंगी, वो एक्स्ट्रा वैसे की वैसे ही लिखी रहेंगी, उनको हम कैलकुलेट करेंगे ही नहीं, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।